नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बच और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे रेलवे सामान्य विज्ञान किरण पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का। दोस्तों हम रिव्यू करेंगे इस बुक के अंदर आपको 255 सेट आपको देखने को मिलेगा और ये बुक दोस्तों आपको 2018 से 2023 तक के जितने भी रेलवे एग्जाम हुए हैं सभी को कवर करता है। इस बुक में आपको दोस्तों सामान्य विज्ञान के ALP, RRB टेक्नीशियन, RPF, SI कांस्टेबल, NTPC ग्रुप डी और पैरामेडिकल एग्जाम के लिए ये बुक दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोस्तों ईयर वाइज और स्टेट वाइज आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इस बुक को लेने का ये फायदा हो जाएगा कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि विज्ञान में, साइंस में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस एग्जाम में, ठीक है ना, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इस बुक के कोड के बारे में बात करें तो इस बुक का कोड है दोस्तों KP4918, MRP दोस्तों 295, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा और अदर भी बुक आते हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। इस बुक में अगर नंबर ऑफ पेज के बारे में बात करें तो 352 पेज आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब दोस्तों हम कंटेंट को देखते हैं तो सबसे पहले ये बुक दोस्तों ये किरण पब्लिकेशन का रेलवे सामान्य विज्ञान का बुक है। रेलवे के सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस बुक में आपको 2018 से 2023 तक के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा जनरल साइंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बैंक है दोस्तों। और जो भी सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे वो डिटेल सॉल्यूशन के साथ, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन के साथ है और रेलवे के सारे एग्जाम को ये कवर करता है। किरण पब्लिकेशन का ये बुक है दोस्तों। आगे दोस्तों आप देखेंगे 295 रुपए MRP है जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे ये ELP का सेट दिया गया है। सबसे पहले आपको ELP के सेट देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पे 9/8/2018 से लेके इस तरह से सभी जो शिफ्ट होते हैं उनको कवर किया गया है। उसके बाद ELP के बाद दोस्तों SI देखने को मिलेगा, फिर टेक्नीशियन देखने को मिल जाएगा, फिर कांस्टेबल देखने को मिल जाएगा, उसके बाद NTPC, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप चलेंगे तो NTPC अभी चल रहा है दोस्तों और सबसे लास्ट में आपको ग्रुप डी देखने को मिलने वाला है। तो इस बुक को लेने का ये फायदा हो जाएगा कि आपको एग्जाम वाइज आइडिया लग जाएगा कि कौन से एग्जाम में साइंस कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितना वेटेज होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें रेलवे सामान्य विज्ञान ईयर वाइज सेट वाइज है क्वेश्चन बैंक है, यहाँ पे दोस्तों ALP टेक्नीशियन परीक्षा 9/8/2018 शिफ्ट 1 के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ कुल मिला के आप दोस्तों देखेंगे तो कुल मिला के 21 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, 2018 में। उसके बाद शिफ्ट 2 में आप दोस्तों देखेंगे तो यहाँ शिफ्ट 2 में 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो लगभग 21-22 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। शिफ्ट 3 में भी देखे हम यहाँ पे तो 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 20 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं ELP के एग्जाम में। इससे आपको बेहतर आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना, तो अच्छा वेटेज है। मतलब जो टेक्नीशियन एग्जाम होता है या जो टेक्निकल एग्जाम होता है रेलवे के, उसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन काफी मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 18 मिनिमम 18 मैक्सिमम 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं ALP के एग्जाम में। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं, ALP के बाद किसी और एग्जाम की तरफ चलते हैं हम, यहाँ पे RPF का एग्जाम, जैसे SI का एग्जाम। तो SI के एग्जाम में साइंस के लगभग 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग मान लीजिए 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ साइंस का जो वेटेज है दोस्तों नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए एग्जाम है तो यहाँ वेटेज क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। आगे दोस्तों एक और सेट को देखते हैं, यहाँ पे तो एक 9 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं SI के एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो 8 क्वेश्चन ये ALP टेक्नीशियन स्टेज 2 का एग्जाम है, ठीक है। तो SI में मान लीजिए 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मिनिमम 7 क्वेश्चन, मैक्सिमम 9 क्वेश्चन पूछे गए SI के एग्जाम में। उसके बाद आप अगर आप देखेंगे यहाँ पे ELP में आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पे तो लगभग 36 क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि मेंस में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं कि आप एग्जाम वाइज ये आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही हम बात करें कि जो NTPC का एग्जाम होता है वो एक नॉन टेक्निकल एग्जाम होता है, तो वहां पे जनरल साइंस के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। जहां यहाँ पे जैसे दोस्तों देखेंगे आप तो यहाँ पे ये RRB NTPC स्टेज 1 का एग्जाम है, 8/1/2021, केवल एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉन टेक्निकल एग्जाम में, ठीक है, साइंस के। तो यहाँ आप NTPC के लिए साइंस को उतना नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना, साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों स्टेज 2 का एग्जाम है, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन है, वो भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा साइंस का यहाँ वेटेज नहीं है, ठीक है ना।
अब दोस्तों अगर हम देखें यहां पे सबसे लास्ट में चलते हैं, स्टेज टू में चलते हैं एनटीपीसी के सीबीटी टू, ये ग्रुप डी शुरू हो गया। तो ग्रुप डी में अगर देखेंगे तो ग्रुप डी में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ साइंस के केवल 25 क्वेश्चन पूछ दिए गए, ठीक है। यहाँ वेटेज भी होता है, जैसे मान लीजिए कि 55 नंबर मैथ्स रीजनिंग और 25 नंबर के साइंस और 20 नंबर के जीके जीएस पूछे जाते हैं, तो यहाँ वेटेज आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। 22 से लेके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में, ठीक है। ये टेक्निकल एग्जाम हो गया, इसमें काफी टेक्निकल पोस्ट होते हैं, इसलिए साइंस के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इससे बुक से दोस्तों काफी बेहतर आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये साइंस का बुक दोस्तों काफी अच्छा है, और इस बुक के अंदर केवल जनरल साइंस है, रेलवे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और ये सब्जेक्ट वाइज बुक दोस्तों बुक आपको देखने को मिलेगा, जैसे सामान्य अध्ययन हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, और सामान्य विज्ञान के बारे में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो ये बुक आप दोस्तों ले सकते हैं। और भी डिटेल में तैयारी करना है तो ये जीके का सामान्य विज्ञान ज्ञान है, जनरल जीके है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम आता है, और एनसीईआरटी पे आधारित है। ये मैथ्स रीजनिंग सार संग्रह खान सर का बहुत शानदार बुक है, और ये साइंस के लिए स्पेशल सीरीज है बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स खान सर का, तिनको आप ले सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, इस बुक का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, अपने वीडियो अंत तक देखिएगा।